स्कूल के बाद ही मेरा थिएटर से जुड़ाव हो गया। अच्छा जी, स्कूल के बाद ही? स्कूल के क्या बाद उम्र रही होगी आपकी? 17-16 साल। हाँ, तो वो हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी, मुझे असली जो जीवन सीखने का मौका मिला वो थिएटर के दौरान मिला। एक्ट वन थिएटर ग्रुप था हमारा। अच्छा। जहाँ पे ये सारे लोग थे, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी और निखिल वर्मा, अरुण कालरा, कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने एक्टिंग में, अभिनय में अपना नाम कमाया, आगे बढ़े, और कुछ लोग हैं जो जीवन में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मेरी मित्रता अभी तक बनी हुई है। नियमित हफ्ते में 2-3 बार उनसे फ़ोन पर बात होती है। और फिर ये सब करते हुए जो एक्टिंग का जो स्ट्रगल था वो मुझे नज़र आया कि ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये आसान चीज़ नहीं है। बड़ा, अब 18-19 साल की उम्र में आपको लगता है कि फैंटेसी होता है, आपको लगता है कि आप अचीव कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपने अनुभवों से सीखते हैं कि आसपास जो लोग थे जो बम्बई से घायल हो के आ रहे थे, अफगान लड़ाई थी ना, अफगान वॉर, कि वो पूरा का पूरा रेजिमेंट टूट टूट के वापस आ रहा है, ब्रिटिश रेजिमेंट, तो वैसा होता था कि यार हर महीने 2 महीने में कुछ लोग वापस आते थे, यार वो बड़ा मुश्किल है, डिस्करेज करते, डिस्करेज मतलब यार उनकी कहानियाँ डिस्करेज करती थी कि एक एक दोस्त था सीनियर, तो उनसे मालूम चला कि वो रेलवे स्टेशन पे सोए और पड़ोस में एक वो दूसरा आदमी सोया हुआ था, उसने उसकी कंबल शेयर कर ली। अच्छा। और सुबह मालूम चला कि वो लाश थी, मरा हुआ आदमी था एक जिसके साथ वो पूरी रात सोए। तो इस तरह की और कुछ सक्सेसफुल कहानियाँ भी थी, कुछ बड़े चटकीले रंगों वाले कपड़े और चश्मे पहने हुए लोग भी आते थे, जिन्होंने कुछ, जिनको कुछ सीरियल्स में या सिनेमा में पार्ट्स मिल जाते थे और जिनके जीवन में बदलाव दिखते थे, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम था। कह सकते हैं कि 2-3-4% लोग थे जो कि सफल दिखते थे। सफलता से ये मतलब नहीं है कि लाखों रुपए या गाड़ियां और मकान, सफलता से मतलब है कि आपको काम मिलना, आपके लिए एक कुछ जीवन में एक मकसद होना कि आप अगले हफ्ते 3 दिन की शूटिंग पे जाएंगे। तो वो सब, उन सब चीज़ों ने मुझे सिखाया कि आपका जो स्ट्रगल होना चाहिए एक्टर का, वो थोड़ा समझदारी के साथ होना चाहिए। तो मैंने उसके साथ साथ कुछ काम करने शुरू किए। अच्छा। एक टेलरिंग शॉप में काम की मैंने किया मैंने कुछ महीनों के लिए। तो मैं नाप लेता था आस्तीन के और बाजुओं के, पैंट शर्ट के। दिल्ली में है वो इकबाल टेलर्स, इकबाल टेलर, हाँ, कनॉट प्लेस में, बड़ी नामचीन दुकान है वो अभी भी मेरे ख्याल से। जी जी, गारमेंट एक्सपोर्ट में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि गजराज तुमको तकलीफ हो रही है थिएटर में, नहीं है कुछ पैसा वैसा, तो मेरे पास काम कर लो। तो मैंने वहाँ पे कुछ महीनों काम किया। फिर लिटरेचर पढ़ा था अच्छे से, तो लिखने के लिए शब्द थे, तो एक जर्नलिस्ट मित्र थे, उन्होंने बोला कि तुम लिखो इस अखबार में। तो फ्रीलांसिंग की मतलब अखबारों में, नवभारत में और दैनिक हिंदुस्तान में। तो वो सब करते करते मैंने एक्टिंग और थिएटर के ऊपर काम किया, पूरी तरह से आश्रित नहीं हो गया चमत्कार के लिए कि कुछ एक दिन मैं बैठा हूँगा और एक रिचर्ड एटनबरो आएंगे या श्याम बेनेगल जी आएंगे या गोविंद हेलानी आएंगे या राजकुमार संतोषी मुझे देख लेंगे, अरे ये एक्टर है कमाल का। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उस समय ऐसा होता था कि एकदम हुर करके भगदड़ मचती थी, मतलब किसी परिकथा का इंतजार नहीं। हाँ, कि जैसे प्रकाश झा, वो बड़े प्रेम से मिले अपने किसी फिल्म के लिए, उन्होंने ऑडिशन लिया, मिले तो मिले क्या, बाहर 150 बेचारे लोग बैठे हुए थे एक्टर्स, वो एक जनपद में कहीं पे एक होटल था छोटा सा, उसमें। तो आपको लगता है कि यार ये एक पार्ट के लिए जिसके 3 सीन हैं उसके लिए 200-250 लोग हैं यहाँ पर, तो कैसे होगा ये तो वो उन चीज़ों ने जाने अनजाने में ये जो स्ट्रगल आसपास हो रहे थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो वो करते करते जब लिखने लगा, और उसके बाद दिल्ली में टेलीविज़न का काम शुरू हो रहा था उस समय, तो एंकर स्क्रिप्ट लिखता था। अच्छा। कि जैसे आपने शुरू में जो एंकरिंग की अभी बोला, तो वो स्क्रिप्ट लिखना जी जी, कि उसके 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ वो जी सब जी करना। और वो करते करते मैं सिद्धार्थ बसु जी से मिला, उनके यहाँ पर उनका मेरे पे बड़ा उपकार है कि उन्होंने मुझे, उनका पूरा अंग्रेज़ी माहौल वाला काम था लेकिन वो मुझे थिएटर से परिचित थे और काम पसंद करते थे, तो उन्होंने मेरे लिए काम की खोज की कि भाई तुम
ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन की, कोई शो है तो उसमें जो ऑडियंस है ब्रेक के बीच में आप उनको गाइड कीजिए, उनके साथ एक मॉक रिहर्सल कीजिए, मॉक क्विज कीजिए, इस तरह के काम मेरे लिए क्रिएट किए उन्होंने साल दो साल। और फिर लकीली उन्हीं के दफ्तर से मुझे प्रदीप सरकार जी के दफ्तर भेजा गया जो कि एड फिल्म्स बना रहे थे उस वक्त। और फिर वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आया, मुझे लगा कि हम जो थिएटर करते हैं और जो दो घंटे में होता है और एक 30 सेकंड में जो विज्ञापन होता है, वो कहानी कहने का अलग अंदाज है वो, कि जो दो घंटे की कहानी को एक 30 सेकंड या एक मिनट के अंदर जो कैप्चर करना, मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा। और फिर मैं वो जुड़ गया उनसे कि मुझे ये पकड़ लिया, मैंने उनके पाँव पकड़ लिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं वो उनके साथ कुछ साल रहा और जब वो बम्बई आए तो उनके साथ साथ मैं बम्बई आ गया और 2-3 साल हम लोगों ने उनके साथ काम किया। और फिर मैं और मेरे पार्टनर सुब्रत राय, हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला कोडरेट फिल्म्स के नाम से, जिसमें हम लोग विज्ञापन बनाते और बीच बीच में जब अच्छे प्रोजेक्ट आते रहे वो मैं अभिनय में करता रहा, चाहे वो बैंडिट क्वीन हो या ब्लैक फ्राइडे या आमिर, उस तरह का। पहला ब्रेक बैंडिट क्वीन जो आपने बताया, कैसे हासिल हुआ? मतलब वो टिशू हमारे सीनियर हैं, वो NSD में थे और हम लोग बाहर एमेच्योर थिएटर करते थे और उन्होंने मेरा थिएटर देखा हुआ था। तिग्मांशु धूलिया, सॉरी हम लोग टिशू बोलते हैं उनको, तिग्मांशु धूलिया। तो वो बैंडिट क्वीन में थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वहाँ पर शेखर जी के साथ। तो वो मुझे मिलवाने लेकर गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे उस समय एक, क्योंकि मैं इतने ऑडिशंस दे चुका था तो मैं इसके फेवर में नहीं था, मुझे लगता था कि यार, और दिल्ली में होता है कि आप कि यार अब हम तो एक्टर हैं, हमें ऑडिशन क्यों लोगे आप। लेकिन मैं दे के थक चुका था और होता नहीं था, बड़े पोर्टफोलियो भी खिंचवाए थे जो फोटोग्राफर दोस्त होते हैं उनके थ्रू। तो इसमें भी शेखर जी ने बहुत ही सरलता से पूछा कि कुछ, मैं अंधायुग की लाइनें याद करके गया था। अच्छा, अंधायुग नाटक की लाइनें याद करके गया था, लेकिन उन्होंने वो पूछी नहीं, उन्होंने देखा और बोला कि अच्छा कर लोगे, डरोगे तो नहीं, ऐसी बात है कि बड़ा शायद इनको मैं पसंद नहीं आया हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ दिन बाद मालूम चला कि उन्होंने मुझे वो एक इम्पॉर्टेंट चरित्र जो है अशोक चंद का, उसके लिए मेरा चयन किया। अच्छा, और वो मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था।